नमस्कार साथियों साथियों एक नोटिस इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर आया हुआ है। यह नोटिस कल आ चुका था लेकिन आज मुझे यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बार बार मैसेज मेरे पास आ रहा है इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड। बच्चे कह रहे हैं जो एम्प्लॉई पहले से है यानी कि GDS की नौकरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर ट्रांसफ़र जो पोर्टल ओपन होने वाला था क्या ये नोटिस उसके रिलेटेड है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो नोटिस जारी हुआ है ये सीनियरिटी कम फिटनेस के अंतर्गत जारी हुआ है, यानी कि पहले से जो GDS कर्मचारी लगा हुआ है वह MTS के पद पर बिना परीक्षा डायरेक्ट जो है प्रमोशन ले सकता है सीनियर टू कम फिटनेस के इर्द गिर्द। ठीक है, तो प्रमोशन विदाउट एग्जाम्स और ऑफिशियली यह लेटर जारी हुआ है, इसके रिलेटेड हम चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा यह जो नोटिस जारी हुआ है यह ऑल हेड ऑफ सर्किल्स के रिलेटेड जारी हुआ है। सब्जेक्ट्स में साफ साफ बता रखा है कि सीनियरिटी कम फिटनेस यानी कि जो पहले से GDS कर्मचारी है वो जो है कहीं ना कहीं MTS के पद पर प्रमोशन ले सकता है। इसमें कंडीशंस क्या है वो है आप देखिएगा, यानी कि डिविजन्स वाइज इसमें प्रमोशन हो रहे हैं, यानी कि जिस डिविजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर अगर कोई GDS है तो उसका प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, एंड बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक साल सर्विस दे करके दो साल सर्विस दे करके ट्रांसफ़र करवा लिया है अदर डिविजन्स के अंतर्गत। तो अगर आपने अदर डिविजन्स में ट्रांसफ़र ले लिया है और पहले का जो डिविजन है वहाँ पर चाहे आप एक साल नौकरी करके आए हो चाहे दो साल नौकरी करके आए हो, आपका कहीं ना कहीं वो सीनियरिटी काउंट नहीं होगा क्योंकि जिस दिन से आपने न्यू डिविजन्स में ज्वाइनिंग लिया है आप कहीं ना कहीं उसी दिन से आपका वो काउंट किया जाएगा, इसलिए ऐसा भी है तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों, इसमें एक दूसरी कंडीशन ये भी है कि बहुत सारे GDS एम्प्लॉय ऐसे हैं जो सेम ही डिविजन्स के अंदर ट्रांसफ़र लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेम ही डिविजन्स के अंदर ट्रांसफ़र लिया है तो उनकी सीनियरिटी समाप्त नहीं होगी, सीनियरिटी काउंट होगी। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अदर डिविजन्स में अगर आपने ट्रांसफ़र ले लिया है तो आपकी जो है सीनियरिटी वहाँ लॉस हो जाएगी और नई डेट्स के जॉइनिंग से शुरुआत होगी। तो ये जो ऑफिशियली नोटिस इशू हुआ है ये ओनली यहीं इसी के डेट जारी हुआ है, सीनियरिटी कोटा के तहत GDS टू MTS के पद पर प्रमोशन बिना एग्जाम्स के। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस कहीं ना कहीं ग्रुप सी के जो पद खाली चल रहे हैं उनको पहले डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू डिपार्टमेंटली प्रमोशन के थ्रू भर रहा है, उसके बाद प्यारे साथियों फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए MTS पोस्टमैन और मेलगार्ड की भर्ती आएगी। ये नोटिस कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं, भले आपके ये समझ में नहीं आ रहे होंगे लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी ये समझ में आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस में लाखों पदों पर ग्रुप सी MTS पोस्टमैन और मेलगार्ड की वैकेंसी आ रही है। पहले डिपार्टमेंटली भर्तियां हो रही है, बाद में फ्रेशर वाले के लिए यह वैकेंसी आएगी। तो इस नोटिफिकेशन की मैं चर्चा करूं तो यह इसी क्रिएटेड है, बाकी ट्रांसफर पोर्टल का अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगा तुरंत मिल जाएगा। बने रहे अभिषेक क्राइसिस के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।